shut up and sit down. आप कैसे एडमिन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे पहले आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आपका सेंटर कहां पर पड़ा हुआ है, कौन सा स्टेट में, उसको कैसे चेक करें और एडमिन कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे मैं यहां पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर एक पोर्टल आपको डाल देना है, मैं यहां पर डाल देता हूं sarkaririzalt.com। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए सरकारी रिजल्ट आ गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इंटर करते हैं तो यहां पर देखिए sarkaririzalt.com का जो ये जो है वेबसाइट ओपन होकर आ गया है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा रेलवे, और यहाँ पे रेलवे RSC ग्रुप डी, आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक कर देना है। रेलवे RSC का जो है ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने में यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद जो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड और यहाँ पे चेक एग्जाम सिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्लिक हेयर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है ये जो ओपन हो गया यहाँ पे प्रत्याशी लॉगिन का। अब क्या करना है, अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो है आपको डेट डालना है, मंथ और ईयर डालना है। चलिए हम यहाँ जो है फटाफट से डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, और इसमें से जो है वो क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ जो है चूज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ जो है डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से चूज कर लेते हैं। आप इस कैलेंडर में से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लॉग इन करे वाले पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉग इन जो है लॉग इन करे वाले पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको फिर से क्या करेगा, यहाँ पर देखिए आपका पूरा यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए अब जो है एप्लीकेशन टू RRB जोन कहाँ पर है, पंजीयन संख्या, यहाँ जो है उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, इसका समुदाय। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सिटी मतलब कहाँ पर आपको पड़ा है, और परीक्षा जो कहाँ पर होगा वो जो है स्टेट, इसके बाद जो है कब होगा वो डेट, और कौन सा जो है शिफ्ट में होगा, यहाँ पर टू शिफ्ट है, तो इस तरीके से आ गया है। अब क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊँगा, ये तो आपको हो गया कि आपका जो है एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है ये ऑप्शन। ठीक है, और नीचे आइएगा, ये जो आपको टाइम टेबल दिखा दे रहा है, यहाँ शिफ्ट 1, 2, 3, और यहाँ पर देखिए जो है रिपोर्टिंग टाइम इतना बजे है, और यहाँ पर जो है गेट क्लोज होने का टाइम है, और यहाँ परीक्षा प्रारंभ मतलब स्टार्ट होने का टाइम आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो CBT एग्जाम होगा 90 मिनट का टाइम होगा, 120 मिनट जो है एलिजिबल है PWD वाले के लिए। ठीक है, तो जो जनरल OBC में आते हैं वो 90 मिनट जो बैठेंगे, और जो जो है PWD मतलब जो है SC ST में आते हैं वो इतना मिनट बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई कॉल लेटर, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 एग्ज़ाम यहाँ पर 17 से लेकर 25 अगस्त 2022 तक जो है जो सबका है, जिस सबका लेवल 1 वाले का उसका जो है एडमिट कार्ड जो है इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि आपका सेंटर कहाँ पर आ हुआ है, वो सेंटर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका सेंटर है, और ये जो है आपका डेट है, इस डेट में आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है एड्रेस हो गया कि कहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम जो होगा वो कौन सा एड्रेस पर है, वो आपको लेवल 1 में यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद जो है आप जो है इसको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तीर वाला, आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे जो है यहाँ पे जो है आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होकर यहाँ पे आपका आ जाएगा, और मैं इसको जो है आपको ओपन करके भी यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए आ गया है डाउनलोड होकर। अब इसको क्या कीजिए, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसको जो है आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो है यहाँ पर मेरा एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर जो है डाउनलोड होकर आ गया है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इसका नाम आ गया, इसके बाद जो कौन सा शिफ्ट में है वो आ गया, यहाँ पे देखिए डेट आ गया, यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, और यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम और पता, यहाँ जो इस यहाँ पे जो पूरा जो है आपका जो है पूरा एड्रेस है कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है कहाँ पर होने वाला है, तो ये पूरा एड्रेस है यहाँ का आपका। ठीक है, इसके बाद जो कौन सा मीडियम है मतलब आप जो है इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर पूरा आपको जो है गाइडलाइन दे रहा है कि आपको कैसे क्या करना है, इससे जो फिलअप करेंगे जो है वो जो है आप परीक्षा केंद्र पे ही आप जो है फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र पर भरने के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहा है स्पष्ट, परीक्षा केंद्र पर भरने के लिए
तो ये जो नीचे जो है ये सभी आपको परीक्षा केंद्र पर ही जो है आपको भरा जाएगा और ये जो है ले लेगा। और यहाँ से जो है ऊपर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, और यहाँ से परीक्षा केंद्र पर भरने के लिए इसके नीचे जो यहाँ पर ले लेगा और इसके ऊपर है जो आपको यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैस जो है बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से भी कर सकते हैं। किस तरीके से जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मतलब RRB का जो है किस तरीके से जो है आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं कहाँ पे है, और आप अपना जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।